One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ताकत होती है वो ताकत जब हमारे साथ मिल जाती है तो नेचुरली एक बड़ी ताकत होती है। मेरी एक दो बार इस पर कहीं से बात हुई हुई, उन्होंने कहा भी मैं अपना करूँगा, अपन को वही देखेंगे, देखते हैं, देखते रहेंगे, उसी युद्ध पर मुझे लगता है काम करना है, जिससे कि अब आगे काम चलने वाला नहीं है। हम लोगों को बहुत जल्दी इस पर कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा कि जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से एक मैसेज मिल गया है मैडम कि आपकी शशि जी की मेहनत से कि हम लोगों को आगे चलने का रास्ता मिला है, कि हमारी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उस पर हम लोग लड़ने के काबिल बने हैं। जैसा कि पहले पता लगा है कि हम लोग लड़ ही नहीं पा रहे थे और हमारे को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ये एक बड़ी कामयाबी है और हम लोग नो डाउट एक अच्छा रास्ता निकालेंगे इसमें, तो बिल्डर को तो आना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि बिल्डर कहाँ तक भागेगा, भागने से काम तो चलेगा, चाहे वो जेपी बिल्डर्स हों, चाहे वो अमरपाली के हों, ये सब बड़े बड़े लोग थे, लेकिन लोग बड़े कभी नहीं हुआ करते, आदमी का समय बड़ा हुआ। ये मैंने देखा है कि अमरपाली के जो मालिक हैं अनिल शर्मा जी, इस वक्त मैं अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर तीन मिनिस्टर आए हुए थे, ग्रेटर नोएडा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सुरेश खन्ना साहब थे जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, सुरेश राणा जी थे और सतीश महाना जी। हम लोग उनको जब मिलने गए तो वहाँ पर उनके साथ में हमारे सीईओ नोएडा अमित मोहन प्रसाद जी बैठे। अमित मोहन प्रसाद से जितनी बार भी मैंने बात की उनका कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उनसे कई बार लड़ाई करके आ गया कि आप लोग नोएडा में काम नहीं कर सकते, नोएडा की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना। पीछे से लेकर ऊपर तक जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी उनका डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट उनसे मिला हुआ है। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि एक बार बिल्डर को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनसे हम बातचीत करें, क्योंकि अभी तक एक भी बार हम लोगों ने शायद बिल्डर से इस प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करी है और सब एक बाहर के सामने एक बार बातचीत हो, उनसे डिस्कस हो कि आप क्या चाहते हैं। नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी, हम उनके यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपना राइट्स के लिए। हम लोग तो हमें दुकानें लेनी है, अपना ऑफिस लेने हैं, तो बोर्ड का रास्ता भी चलते रहना देना है और अथॉरिटी में भी और धरना प्रदर्शन का भी रास्ता में अपनाना पड़ेगा, जिससे हमें जल्द से जल्द जो हमारा हक है वो हमें हक मिल पाए। तो इसके लिए हम एक बैठ के हम आपस में एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम लोग उस तरीके से चल सकते हैं। उसके लिए फोनरवा की क्या रणनीति है? देखिए, फोनरवा हमेशा नोएडा वासियों के साथ है, यहाँ की जनता के साथ है। यहाँ की जनता के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमारे लोग, हमारे फेडरेशन के लोग उन लोगों के साथ खड़े होंगे। कोई भी पीड़ित यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा कि हम उनका साथ ना दें। अगर बायर के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, जैसा कि बिल्डर कर रहे हैं, तो हम लोग बायर के साथ खड़े होंगे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है तो किस सिलसिले में ये NPX अपार्टमेंट्स है जहाँ पर जो नोएडा के अंदर है, उन्होंने 2009-10 में बुकिंग की थी और आज तक लोगों को पोजीशन नहीं दिया है। आज 9 साल होने जा रहे हैं वहाँ पर, 9 सालों में भी पोजीशन नहीं दिया गया, जनता का पैसा उन्होंने लेकर लगा चुके हैं उसके अंदर। तो आज सभी यहाँ के जो बायर्स हैं उन्होंने मीटिंग की है, वो चाहते हैं कि बायर को पूरी तरह से उनका पोजीशन दिया जाए ताकि वो अपनी दुकानें, अपने ऑफिस वहाँ पर चला सकें। अगर ये बिल्डर लोगों के साथ इसी तरह अन्याय करते रहेंगे तो फोनरवा वायर्स के साथ खड़ी होगी और हम लोग वायर को, वायर की मीटिंग के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिल्डर से कि अगर एक महीने के अंदर वो लोगों को पोजीशन नहीं देते हैं तो जनता, यहाँ के निवासी जिनके दुकानें हैं, जिनके ऑफिस हैं, जिनके मकान हैं, उनमें ज़बरदस्ती घुस जाएंगे, वहाँ जाकर बैठेंगे और अपना अपना काम करेंगे। किसी की वायर के साथ अन्याय फोनरवा नहीं होने। देखिए, ये NPX टावर है जो कमर्शियल स्पेसेस बायर ने बुक करे थे 2009 में, और तब से लेके ये बायर, अथॉरिटी, बिल्डर उन सब के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये
पूरा सिस्टम जो है प्राधिकरण का वो करप्ट है, बिल्डर के साथ मिला हुआ है, जिसके लिए हम बार बार अथॉरिटी में भी गए हैं इनके साथ में और कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बार बार जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, एनपीएफ टावर एसोसिएशन के सभी सदस्य यहाँ पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम जल्द सुनी जाए और प्राधिकरण को आदेश दिया जाए कि जो 2008-09 से पूरे 95% या 100% पैसे देके अपना जिंदगी भर की कमाई वहाँ दी हुई है कि एक हम दुकान वहाँ पर लेंगे, एक रिटायरमेंट के बाद हम दुकान ऑफिस वहाँ खोलेंगे और वो उसको चलाएंगे, तो उस सपने को चकनाचूर कर रहे हैं बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि इनकी समस्याओं को जल्दी सुना जाए और उनको रिलीफ दिया जाए, जिसके लिए हम आज यहाँ प्रेस अनु जी लगातार सरकार आश्वासन दे रही है, आश्वासन की बात कितने सीरियस है सरकार की? देखिए उनका कहना ये होता है कि अभी सरकार 6 महीना हुई है बने हुए, हम लोग यहाँ से लेके मंत्री मुख्यमंत्री सब जगह मिलके आ गए हैं, लेकिन आपकी बात सही है कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो उनका कहना ये होता है कि समस्या इतनी गंभीर है जिसकी वजह से ये नहीं रिलीफ मिल पा रहा है, लेकिन आप विश्वास रखें कि रिलीफ ज़रूर मिलेगा। कल भी हम विधायक पंकज जी से मिले थे, उनको बोला था जाके कि मंत्री जी आते हैं या मीटिंग करते हैं लेकिन चले जाते हैं, उसके बाद भी कोई समस्या का निवारण नहीं होता है, तो क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था दोबारा से मंत्री की एक बैठक बुलाई है, वो जल्द यहाँ पर आएंगे और फिर आपकी बात रखी जाएगी और समस्या का समाधान जरूर करवाएंगे। थैंक यू।